भाई बूंदे गिर रही है। गैप देखो गाइस कितना छोटा गैप है। बहुत दिख गए हम लोग, बहुत दिख गया गाइस। नाला 300 कितना 300 का इतना सा। तो गाइस बैंक का काम तो हो गया। जय श्री राम भाइयों, क्या हाल है आप सभी का। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं करीबन 11 और कल से मेरे को छुट्टी पड़ गई हमारे कॉलेज में। तो मतलब मेरा तो कोर्स हो गया, अभी कॉलेज जब स्टार्ट होगा नया कॉलेज लगेगा, नए दोस्त लोग रहेंगे, सब कुछ नया रहेगा, वो आपको सब बता दूंगा। अभी तो फिलहाल मैं उठा हूँ और भाई देखो सुबह सुबह बारिश चालू हो गई, मतलब जब भी मैं उठा तब तो नहीं थी, अभी चालू हो गई गाइस। ये देखो मजे लो भाई बारिश के। तो एक काम करते फ्रेश होता हूँ मैं। सुजल का गाइस कॉल आया, बोला कि घनसोली में जाना है, उसको कुछ काम है, तो चलो चलते घनसोली और थोड़ा राउंड भी हो जाएगा इस सुहाने मौसम में। क्या मौसम हो रखा गाइस, राउंड भी अच्छा खासा हो जाएगा, बातें खासी भी अच्छे। उसके पास गाड़ी है, स्कूटी है, तो स्कूटी से जाएंगे। वो पीछे मेरा वेट कर रहा है, पीछे स्कूल है न्यू मॉडर्न, उधर वेट कर रहा है। तो चलो चलते अभी राउंड भी मार लेंगे थोड़ा और बातचीत भी हो जाएगी। अब आ गए गाइस हम लोग राउंड मारने के लिए। अरे ये देखो ये सुजल है, इसका स्कूटी है, आज कार तो नहीं है उसका पर स्कूटी है। जा रहे हैं ऐसे आसपास राउंड मारने के लिए, जाएंगे हम लोग इधर तो मतलब आसपास ही जाएंगे, जिधर भी जाएंगे। तो भाई बारिश का भी मौसम हो गया, देखो काले काले बादल आ गए गाइस, बस बारिश नहीं आना चाहिए वरना हम लोग भीग जाएंगे। तो ये देखो भाई बूंदे गिर रही है, देखा बारिश का नाम ले और बारिश धीरे धीरे चालू हो रही है। तो चलो फिलहाल अभी राउंड मारते। ये रही गाइस मेरे दोस्त की गाड़ी, एक्सिस है भाई, तगड़ी गाड़ी है। और इधर वो कुछ काम करने के लिए गया है, पता नहीं इधर किधर तो गया, देखो इधर से गया और हम लोग अभी इधर ही है। तो भैया ने गाड़ी निकाल दी, रुको उसने बोला इधर गाड़ी लगाने के लिए, ये बीच में ऐसा लगा नहीं सकते ना। ये लगा दी गाइस, अभी उसको लगेगा मतलब 10-15 मिनट लगेगा, वो बोला मैं इधर ही वेट करता हूँ। आई थिंक गाइस देखो कैसा जाम हो गया है ट्रक, गैप देखो गाइस कितना छोटा गैप है रे, देखो तो गैप देखो गाइस। और इधर काम भी चालू है, गैप भी है। बारिश आ गया गाइस फाइनली और हम लोग देखो पूरा भीग गए, पूरा का पूरा भीग गए भाई, जोर से आ गई ना गाइस, बहुत भीग गए हम लोग, बहुत भीग गए गाइस। देखो नाला कुछ दिखता नहीं रहेगा आपको क्योंकि ना कैमरे में पानी आ गया गाइस, जितना बारिश गिर रहा था ना सीधा घर पे आ गया मैं, फ्रेश भी हो गया, मस्त स्नान भी कर दिया मैंने, अभी नाश्ता भी कर लिया था मैंने, समोसा। ये देखो बेल बजा, ये जो डिलीवरी था ना आपको बोला था मैंने उस दिन, वो ही लेने आया है वो, उसका नाम अक्षत है, अक्षत आपको दिखाता हूँ, एक मिनट दरवाजा खोलता हूँ, वो ही आ रहेगा गाइस। देखो यही आया है डिलीवरी, उस दिन गाइस मैंने बोला था ना इसका ही डिलीवरी है। किधर गए पापा? पापा घर पे है, स्कूटी धक्का मार के लेके आया। तो ये देख लेंगे वीडियो बना, अबे ये देख लेंगे पापा। तू क्या ऐसे ही पैक करके देने वाला है? नहीं रे, तो फाड़ेगा ना, अबे खोल दे इतना सा रहेगा अंदर, अनबॉक्सिंग भारी था ना, अच्छा था। मैं अपने घर से स्कूटी धक्का मार के लेके आया इधर। कौन सी, रेड वाली? ब्लू वाली, इधर नहीं आया, उधर है बाहर सर्विस रोड पे। क्यों बंद कैसे हुई अचानक? अरे उसके पेट्रोल में पानी चला फूक मारना फिर थोड़ी साल्ट ही नहीं हो रही। अच्छा साले अंदर ये क्या बिल है ये क्या है? तो वो है उसका पैकिंग। अच्छा तू इससे मंगाया ना ऑफिशियल साइट से? नाइका है भाई। 300 कितना? 300 का, 310 का इतना सा। कल आएगा कल तू बोला नहीं था कि आ रहा हूँ करके, तो बुकर कैसे आ गया अचानक? येड़ा बना रहे तू कसम से, टॉन्सिल है मेरे को कैसे टॉन्सिल और बैक एक पूरा, सो भी नहीं पा रहा था। 11 बजे मैंने फोन रख दिया था,
7 बजे साले पबजी खेलते रहेगा तो नहीं खेलता अभी जाएगा तब फेंक देना। रुकना थोड़ी देर ऐसे ही कि जा रहे फटक से। पापा को फोन करके बुला लेते। अबे यार मैं बोला था ना तेरे को लाने के लिए। अभी तू सेम वाला रहा, मेरे को ओमेन का चाहिए बस या फिर सेज का। सेज ओमेन है तो ओमेन का चाहिए। लाइक्स हो गई है फिर मैं देखा कौन सा रील है ऐसा सोमैया का है इसके लिए सबसे भाई ऐसे ऐसे लाइक्स आ रहे ना मेरे को तो ऐसा कंटेंट बना मिलेगा तेरे। अभी फुटबॉल का भी डालते तो उसमें भी जाते सोमैया पे ज्यादा आएगा। मेरे को अभी यूज से मेरे को इंस्टाग्राम से फर्क ही नहीं पड़ता भाई यूट्यूब पे ही अभी मचा। शॉर्ट नहीं यूट्यूब पे ही भाई घिसना है अभी ये इंस्टाग्राम ये छपरीगिरी नहीं करनी अभी अभी समझ आया भाई मेरे को। इंस्टाग्राम पे तेरा नाम मालूम पड़ेगा फिर तेरा यूट्यूब का लिंक मिलेगा। अरे पर अगर इंस्टाग्राम पे यार क्या ही कंटेंट है वो छपरी कंटेंट बनाओ वापिस टना ना ढन डा डा टना डा 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 पार्सल डिलीवर्ड हो गया। तू बोला नहीं हुआ मेरे को गलत घर पे दे दिया। अरे मैं सोया था और वॉशरूम जाके आया फिर पापा बोले कि पापा ने कुछ बोला नहीं पापा को लगा मम्मी का है तो ऐसे ही रख दिया और मम्मी हॉस्पिटल में थी मम्मी को कॉल नहीं कर सकते तो फिर मैं जाके देखा बाहर तो तेरा ये पार्सल आया। अभी 310 का इतना सा उसमें क्या रहेगा भाई तेरे। चल फिर चल बाय। कब आएगा अभी कॉलेज मंडे डायरेक्ट मंडे आना पड़ेगा या एप्लीकेशन देने का। क्या ना एक एप्लीकेशन देने ठीक है ठीक है। तो सब्जेक्ट मिल गया कौन सा कम वही लगा ही था मेरे को सब्जेक्ट है भाई ऐसे तो इकोनॉमिक्स दे देते। ठीक है चल चल बाय छुपा के लेके जा गाइस चला गया अक्षत वो बस डिलीवरी लेने आया था अपना और उसका गाड़ी भी खराब हो चुका है मतलब पेट्रोल में ना पानी भी मिक्स हो गया इसके लिए ना उसका स्कूटी चालू नहीं हो रहा तो उसके पापा को बुलाया उसने तो भी आ जाएंगे। वो देखो गया गया इधर इधर ही पीछे सर्विस सेंटर है ना तो उधर जाके वो ठीक कर देगा। अब गाइज ना मुझे कोटक बैंक से एक कॉल आया था मतलब मैंने ही कॉल किया था उनका वापस से कॉल आया मेरे को उनका बिजी आ रहा था ना कॉल। एक महीने से ना मेरा मतलब केवाईसी हो रहा नहीं था बैंक के डिटेल्स वो सब प्रॉपरली मेरा थंबप्रिंट ना लग नहीं रहा था इसके लिए मेरा केवाईसी हो नहीं रहा था और इसको पेमेंट कर भी नहीं सकता था और पेमेंट आ भी नहीं सकता था आ सकता था पर मैं पेमेंट कर नहीं सकता था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था मतलब बैंक खुल गई बैंक का अकाउंट खुल गया था पर मैं किसको पैसा भेज नहीं सकता था। तो आज केवाईसी कंप्लीट कर रहा हूं मैं वो बंदा इधर ही नीचे आ रहा है तो डायरेक्ट बैंक से ही आ रहा है वो बोला आप मत आना बैंक मैं आ जाऊंगा आपके घर के नीचे। ये सही बात की भाई उसने इसके लिए अप्रिशिएट भाई उसको अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये तो अभी आ रहा है वो उसका कॉल आया था अभी चलते हैं नीचे वो नीचे ही आ रहा है। तो गाइस बैंक का काम तो हो गया नीचे ही हो गया फटक से तो अभी चलते हैं घर पे खाना भी खाना है मेरे को। ओके गाइस तो फाइनली हम लोग का बैंक का काम हो चुका है केवाईसी का काम हो चुका है 12 आवर्स के बाद मैं अपना ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। मैं पैसे तो आते हैं पर ट्रांजेक्शन मैं नहीं कर सकता था वो मैं कर सकता हूँ 12 घंटों बाद। तो अभी ना फिलहाल दोपहर के बज गए 3:30 हो गए 4 बजने आए हैं एक्चुअली तो एक काम करता हूँ थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है मेरे को सो जाता हूँ मैं एक ही बार नींद खुलने के बाद आपसे मिलता हूँ। भाई नींद तो मेरी अच्छी से हो गई है और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ मैच खेलने के लिए क्योंकि ना 8 बजे मेरी मैच है फुटबॉल की। देखो गाइस पूरा रेडी हो गया हूँ मतलब ये डाल दिया बस अभी शर्ट पहन के निकलना है तो चलो फटफट क्योंकि लेट हो जाएगा ना बस 15-10 मिनट ही बाकी है। चलो मैच तो गाइस हो गया है और आज शायद हम लोग जीते कि हारे हम लोग को खुद को नहीं पता पर सब लोग तो बोल रहे थे कि एक अप से जीते हम लोग मतलब एक गोल से अप थे हम लोग इसके लिए हम लोग जीते। बाहर के जो बैठे थे वो लोग बोल रहे थे जो कि मैच देख रहे थे। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर पे क्योंकि अभी रात के बज गए 10 और भाई बारिश में भीग गए हम लोग को पूरे और जो मैच हुआ ना गाइस आज एक बहुत तगड़े वाला मैच हुआ है बहुत मजा आया। फिलहाल जाते हैं घर पे मम्मी ने बनाया पूरन पोली बनाया और उसका जो मीठा मीठा सांभर रहता है ना वो बनाया सांभर मतलब एक टाइप का ये रहता है दाल रहता है वो बनाया। तो अभी चलते हैं घर पे इसी बार में आपको घर पे मिलता हूँ। ये आ गए हम लोग हमारे घर पे तो चलो अभी स्कूटी डालते ये चढ़ाई गाइस किधर लगाओ अरे यार जगह ले ली यार इधर की बारिश में भीग जाएगा अरे छोड़ो इधर ही लगाते ये बात चलो घर पे जाते अभी। गुड मॉर्निंग गाइस क्या हुआ ना कल जैसे आया मैं खाना खा के कब सो गया ना मेरे को खुद को नहीं पता एडिटिंग भी करनी थी पर लास्ट का व्लॉग मैं एंड भी नहीं कर पाया तो मैं अभी एंड कर रहा हूँ सुबह
तो आपको ऐसे और ब्लॉग्स है ना इस चैनल और इस वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।